जिस सीट पर भाजपा 7 बार जीत चुकी हो और जहां पिछली बार भाजपा को कुल 67% वोट मिले थे, वह सीट भी भाजपा के लिए फंसी हुई है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में भाजपा की सबसे सेफ सीटों की गिनती में आने वाली लोकसभा सीट हजारीबाग की। यहां पिछली बार भाजपा ने 44% के मार्जिन से जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23% वोट मिले थे। यह झारखंड में सबसे बड़ा अंतर था। फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए हजारीबाग में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा? हम क्यों कह रहे हैं कि भाजपा अपनी जिताऊ सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है? और सभी राजनीतिक गणितज्ञ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हजारीबाग में भी कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? क्यों हजारीबाग और कोडरमा की साझा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे ही पीएम भी होंगे और वे ही एमपी भी होंगे? प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान क्या संदेश देता है? हजारीबाग जैसी सीट पर भी भाजपा का कॉन्फिडेंस क्यों हिला हुआ है? क्या है इसके पीछे की वजह? इन सभी सवालों का देंगे जवाब, बताएंगे आपको हजारीबाग में हाल में बदला हुआ समीकरण, कांग्रेस की चालाकी और जाति आधार पर गणित का पूरा आकलन, पूरा तफसील से करेंगे इस सीट का विश्लेषण जिसने देश को एक बार वित्त मंत्री, एक बार विदेश मंत्री दिया है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए बताते हैं आपको 5 पॉइंट्स में कि हजारीबाग में क्यों हार सकती है भाजपा। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानी। हम 5 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हजारीबाग सीट भाजपा के लिए इस बार पहले जैसी आसान नहीं होने वाली। पहला पॉइंट, हजारीबाग में इस बार मुकाबला 2 दोस्तों के बीच है दोस्तों, लेकिन इससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रत्याशी से मनीष जायसवाल का मुकाबला है, वे खुद ही भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, वे तो नेता प्रतिपक्ष के भी दावेदार थे, लेकिन ना उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली और ना ही सांसदी का टिकट, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की चालाकी यहां यह रही कि पहले उन्होंने भाजपा द्वारा सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने दी, फिर उस हिसाब से समीकरण साधते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। हजारीबाग में तो भाजपा के ही कद्दावर नेता को अपने पाले में लेकर उन्हें उनके ही पार्टी के खिलाफ तैनात कर दिया गया। इस हिसाब से कांग्रेस को 1-0 की बढ़त तो जरूर मिल गई है। दूसरा पॉइंट, यह पॉइंट विधायकों की संख्या से संबंधित है। यह इसलिए जरूरी है कि विधायकों का प्रभाव उनके विधानसभा क्षेत्रों में काफी रहता है और वे अगर चाहें तो काफी हद तक वोट प्रतिशत अपनी पार्टी के लिए ला सकते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को हजारीबाग में बढ़त है। यहां विधानसभा की 5 सीटें हैं, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। कुछ महीनों पहले तक इनमें से 3 सीट रामगढ़, हजारीबाग और मांडू एनडीए के पास थी, लेकिन जेपी पटेल के कांग्रेस में आने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि एनडीए के पास अब 2 ही सीटें हैं। बाकी 3 सीटें बरही, बड़कागांव और मांडू कांग्रेस के पास है। इस हिसाब से कांग्रेस भाजपा से 3-2 से आगे चल रही है। इसके अलावा जेपी पटेल जमीनी नेता हैं और कई सालों से लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहे हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस के नेता की छवि इस तरह की नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत जनाधार ही काफी बड़ा फैक्टर हो सकती है। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। भाजपा की तरफ से 2019 में जिस प्रत्याशी ने 67% वोट लाकर जीत दर्ज की थी, वह टिकट न मिलने को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। जी हाँ, जयंत सिन्हा भाजपा से नाराज हैं और ऐसी सूचनाएं हैं कि वे कांग्रेस को अपना मौन समर्थन दे रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। वे न केवल मनीष जायसवाल के मंचों पर दिख रहे हैं, न ही उनको किसी तरह का सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा के भीतर ही जयंत सिन्हा के समर्थक भी मनीष जायसवाल को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा का भी हजारीबाग में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पिछली बार वे इसलिए खामोश रहे कि उनका बेटा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आप इस बार उनके बयानों को सुनिए, आपको साफ साफ पता चलेगा कि हजारीबाग में चल क्या रहा है। यानी 2 दिग्गज नेता भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रभाव कितना रहेगा यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। अब आइए चौथे पॉइंट पर। यह पॉइंट जाति आधार से संबंधित है।
सबसे पहली बात तो यह कि हजारीबाग में 70% वोटर ग्रामीण है और ग्रामीण वोटरों पर भाजपा का तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव रहता है कांग्रेस के बनिस्पत। जातीय आधार पर देखें तो यहाँ मुस्लिम वोटर 18% हैं, आदिवासी 12% हैं और दलित मतदाता 15%, यानी अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों की संख्या यहाँ 45% के आसपास पहुँचती है। ये वो वोटर हैं जो भाजपा के नहीं माने जाते। दलितों के बीच भाजपा की थोड़ी पैठ हाल के दिनों में देखने को मिली है, लेकिन वे उनके कोर वोटर नहीं है। यानी अगर इन 45% वोटरों पर कांग्रेस अपना अच्छा प्रभाव बना पाती है तो फिर भाजपा के लिए स्थितियां गंभीर हो सकती है। अब आइए पांचवे पॉइंट्स पर। हजारीबाग में इस बार इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं, मुद्दे अलग हैं। लोग रोजगार, पलायन और स्थानीय समस्याओं पर वोट डालने जा रहे हैं। हजारीबाग में सिंचाई की समस्या है जो कई लोगों की जबान पर आ रही है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के व्यापारी वर्ग मनीष जायसवाल से खासा नाराज चल रहे हैं और यह मुद्दा बहुत गंभीर है। कुल मिलाकर वोटों का बंटवारा इस बार धर्म के आधार पर नहीं होने जा रहा है और यह एक बड़ा फैक्टर है। ये थे वे पांच पॉइंट्स जिसके आधार पर इस बार भाजपा के लिए हजारीबाग में जीतना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। देखिए, एक बात हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं, हम कोई भविष्य वेत्ता नहीं और इसलिए हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ आकलन कर रहे हैं। और यह आकलन कई लोगों से बातचीत, ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। संभव है कि भाजपा को यहां से आसानी से जीत मिल जाए, लेकिन इतना तो तय है कि यहां जीत हार का मार्जिन पहले जैसा नहीं रहने वाला है। बहुत कम अंतर से ही जीत हार होगी और मुकाबला इतना टक्कर का है कि यह कह पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि कौन यहां से जीत दर्ज कर पाएगा। हजारीबाग में 20 मई को मतदान होने जा रहे हैं, यानी कल। ये दो दिन भी, एक दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इन एक दिन में यहां से क्या खेला हो सकता है। हमारी नजर बनी हुई है, हम आपको यहां से यानी कि ग्राउंड से, हजारीबाग की जमीन से आपको जीरो रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके समर्थन के दम पर हम अपनी पत्रकारिता कर पा रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, मनीष जायसवाल या फिर जेपी भाई पटेल या फिर JBKSS की JLKM के प्रत्याशी संजय मेहता, इन तीनों में से? कहा तो ये जा रहा है कि मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है तो तरफा मुकाबला है, लेकिन आप बताइए, आपका अनुमान, आपका आकलन, आपका समीकरण, आपका अर्थमेटिक, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। आप अगर हजारीबाग के हों तो इस वीडियो को हजारीबाग के हर मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचाने की जवाबदेही आपकी है, इसलिए इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए। शुक्रिया।